मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में एसटीपीएल के नए इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाने की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार की नीतियां लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होती हैं। स्कीम की जानकारी नहीं होने से लोग इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर बड़ी भूमिका निभा सकता है। यदि कॉमन सर्विस सेंटर को पंचायत लेवल पर जोड़ दिया जाए तो गांव गांव तक यह सुविधा लोगों को पहुंचाई जा सकेगी। सहज तकनीक योजना एवं पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर को भारत नेट के साथ संबद्ध कर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की योजनाओं का लोकार्पण कराया। मैं दोनों को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूँ, समस्त अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ। और इन सब योजनाओं का जो लाभ होगा, जो सारे काम में तेजी आएगी और किसी भी काम में जो पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, वो नई तकनीक जो है टेक्नोलॉजी के जरिए यह सब संभव है। और आप जानते हैं कि सरकार की तो अनेक योजनाएं चलती रहती हैं, लेकिन उसको लागू करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके जरिए और आधार के साथ लोगों को जोड़ने के कारण बहुत सारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अब पारदर्शिता लाना संभव होता जा रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर हम इसी तरह से कॉमन सर्विस सेंटर का विकास करें तो काफी अच्छा होगा।